और बैंगलोर वालों कैसे हो भाई? मैं सुना एक साइनेज का बिल पास हो गया जहाँ लोगों को साइन बोर्ड लगाने पड़ेंगे कन्नड़ में अपने दुकान के ऊपर, वो जो अभी तक इंग्लिश में चल रहा था वो सब हटेगा और कन्नड़ में चिपकेगा, बताइए। और अब दूसरा एक और डिक्टेट आया कि जो भी आईटी कंपनीज हैं या जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें अपने कंपनी के बाहर वो लगाना पड़ेगा कि कितने लोकल एम्प्लॉयज़ हैं और कितने आउटसाइडर्स हैं। और साइनेज का तो फिर भी चल जाता है, ये लोकल और आउटसाइडर जो है ये परमानेंट डिवाइड करने जा रहा है कर्नाटक में, और ये रोल बैक नहीं होगा। जैसे कास्ट का एक बार डिवीज़न हो गया है या फिर रिलीजन का या फिर रीजन का, तो वो अंडन नहीं होता। ये अभी तक बचे हुए थे वो अभी तक वो तमिलनाडु में ही था ऐसा, बट अब ये यहाँ पे भी हो जाएगा। और अब कंपनीज तो लगा देंगी, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे, उनका सिक्योरिटी का इशू होगा। क्योंकि अब जो भी एक छोटा कर्मचारी होगा या कोई ऑड जॉब्स जो करते रहते हैं, चाहे वो सफाई वाला है चाहे ऑटो वाला है, इन लोगों को अब जैसे ही वो नंबर दिखेंगे ना कि 1,000 में से 800 लोकल हैं और 200 बाहर के, चाहे वो गूगल के बाहर लगा हुआ है, तो वो ऑटो वाला कहेगा ये गूगल में मैं भी जा सकता था पर इन 200 लोगों ने आके मेरी नौकरी छीन ली। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सही नहीं रहेंगे आने वाले समय में, ये हेट्रेड और बढ़ाएगा सोसाइटी में। पॉलिटिशियंस इससे खैर जीत जाएंगे सीट में, अपना यही पॉलिटिक्स होती है, तो भीड़तंत्र है, लोकतंत्र तो नहीं रहता। लोकतंत्र शुरू से चलता है फिर बाद में भीड़तंत्र में हो जाता है, जिसके पास ज़्यादा नंबर वो जीतेगा। और अब इसमें आप देख लेना कैसे क्या करोगे, तो सबसे पहले तो वोट अपना जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेना, दूसरा एक देखना डोमिसाइल कैसे बन रहा तुम्हारा कर्नाटक का, तो वो लोकल में घुस जाओ भाई, आउटसाइडर में मत रहना कोई भी है, चाहे बैचलर हो चाहे वो फैमिली वाले हो, सब थोड़ा बहुत कन्नड़ सीख लो, और इसके बिना मेरे को लग नहीं रहा आने वाले टाइम में सर्वाइवल तुम्हारा बचेगा। तो मैं तो ये देख रहा हूँ ये गोरू की कंपनी क्यों मंगवा रहे हैं अंदर, इन्हें भी भगा देते, ये भी कन्नड़ नहीं है भाई गोरे, तो हेट्रेड है बहुत ज़्यादा है, हेट्रेड फैला दी, वो पॉलिटिशियन बड़े तेज हैं, तो आदमी एक अपना दुश्मन ढूंढता रहता है, उन्होंने वो दुश्मन दे दिया गरीब आदमी को कि जितने भी आउटसाइडर काम कर रहे हैं आईटी कंपनीज में यही है तुम्हारे टारगेट, इन्हें पीटो। और अब पैसे तो तुम पहले ही दे रहे थे ज़्यादा, अब अपने गाल भी देना, अब इसका कोई उपाय नहीं है, इसका एक ही उपाय है जो मैं पहले कह रहा था, इंडिया छोड़ के चले जाओ, कम से कम डॉलर वॉलर में तो कमा लोगे, पाउंड में कमा लोगे, बेइज्जत तो वहाँ पे भी होना होता है, रेसिज्म वहाँ पे भी भयंकर है, पर कम से कम पैसे ही ज़्यादा मिल जाए यार, आदमी को लगता है ना कि कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा बेटर हो जाए, जो भी काम कर रहे हो काम तो तुमने यहाँ पे भी करना। और कोई भी भाग के यहाँ दिल्ली उल्ली मत आ जाना बे, यहाँ पे बहुत झगड़ा है, अम्मा बहना पे उतर आऊँगा अगर मैं भाई कोई दिख गया यहाँ पे दिल्ली लौटता हुआ, भुवनेश्वर चले जाना, चाहे चाहे नीचे कोलंबो चले जाओ, उसके नीचे समुद्र है उसमें डूब जाओ, पर यहाँ कोई ऊपर चढ़ के मत आ जाना, पहले ही मारकाट मची हुई है, एक अनार 100 बीमार पहले ही हो रहा है। और अब रास्ते ढूंढ लो कुछ जो भी तुम्हें करना है, और सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री से काम नहीं चलेगा, अब साथ में एक लैंग्वेज भी मेरे को लग रहा है कर्नाटक या तमिल या कुछ ऐसी लैंग्वेज भी एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में डाल देनी चाहिए यूजीसी को या AICT को, तो इजी हो जाएगी लाइफ। चलो ठीक है, लड़ो, अभी लड़ाई लड़नी है तुम्हें।